ये है कमल का फूल, शिव जी। हम लोग पहुंच गए तिखाली डैम। हाय दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, और एसएन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज हमारा टूर का तीसरा दिन हुआ और हम लोग नरसिंहनाथ होते हुए हरिशंकर हुए थे, वे आज लौट रहे हैं घर को। और जाते जाते बीच में एक तो तिखाली डैम पड़ता है, तो वहीं थोड़ा घूम लेंगे करके सब परिवार आ गए हैं, और उसके बाद निकलेंगे। आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा एरिया में हुआ है। पहले इतना बड़ा ये, मतलब इसका बाउंड्री जो है इसको बढ़ा दिए हैं अभी प्रोटेक्शन के लिए। जितना दूर आग जाए दिखता नहीं, समंदर जैसा व्हाइट कलर आ जाता है वो सीन। जिस हम लोग पहुंचने वाले हैं, राइट साइड टर्न करेंगे। हाँ तो उतरिए, सब पहुंच गए फटाफट। तो दोस्तों गाड़ी तो ऊपर तक नहीं आता, तो नीचे पार्क करना पड़ता है और गेट भी बंद है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते और माँ, बाबूजी, भाभी, भारती, श्रद्धा, मेरा भतीजा, ड्राइवर सब पैदल निकल रहे हैं। तो अभी ये लोग घूमेंगे बोले, माँ बाबूजी को लाए हुए हैं साथ में, तो वो लोग भी देखे नहीं थे। मैं और भारती देख चुके थे, यहाँ एक बार आए थे हम लोग, और यहाँ भी रास्ता शायद बन रहा है। और हम लोग जब आए थे, इतना बड़ा मतलब ये बाउंड्री जो है इसको बढ़ा दिए हैं अभी। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे और उधर मंदिर, भोले बाबा का मंदिर भी है, उधर भी दर्शन करेंगे। ये बाप रे बाप, बहुत खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। माँ को तो दिखाने लाए हैं, बाबूजी उधर खड़े हैं। माँ तो देखी नहीं थी, ऐसा वाला चीज़ देखी नहीं हूँ बोल रही कभी। भयंकर दिख रहा है, खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। नहाने का दिल कर रहा है लेकिन कौन जाए, कितना पानी है, कोई कोई रिक्स उठाएगा। तो दोस्तों हो गया, अभी धूप भी बढ़ गया है, हम लोग निकलते हैं अभी। मतलब अभी रास्ते में एक ठो शिव मंदिर है यहीं तिखाली में, और उधर जाके आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद निकलेंगे घर। चलिए दोस्तों बताइए। पापा, हाँ पार्क में घुसेंगे, समय निकलेगा तो। चलो बाबूजी थक गए, पानी पी रहे हैं, पानी भी लेके जरूर आना। यहाँ क्या है, धूप ज़्यादा होता है कि नहीं। डैम से निकल चुके और अभी हम लोग पार्क आए हैं। यहाँ छोटे लड़के का पार्क है और इधर हम लोग अभी थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर साइड। यहाँ थोड़ा पार्क है दोस्तों, पेड़ है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ। तो भाई को बोले हैं गन्ना, थोड़ा गन्ना फिर पी लेंगे, गन्ना लगेगा थोड़ा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो श्रद्धा का मूड था क्या यहाँ घूमेंगे करके, तो एक बार आए थे हम लोग, है ना श्रद्धा? हाँ। एक बार आए हुए थे लेकिन हम लोग घूमे नहीं थे, तो अब के बार तो समय निकाले हुए हैं, थोड़ा आधा घंटा इधर टाइम पास करेंगे। हाँ, आए हुए थे हम लोग घूमे नहीं थे, और अभी जो आए हुए हैं थोड़ा घूम लेते हैं, यहाँ मजा कर लेते हैं। लेकिन क्या मजा करोगे दोस्तों, ऊपर तो धूप निकला हुआ है और बच्चे लोग समझते नहीं। और माँ बाबू जी को उधर पेड़ के नीचे बैठा दिए हैं, उधर बहुत बड़ा पेड़ है जो दिख रहा है, उधर पूरा छैया है, उधर बैठा दिए हैं सबको मस्त है। और हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं, यहाँ टिकट होता है पर हेड को 5 रुपया। अभी हम लोग इधर थोड़ा घूम के, ये क्या है, दशहरा और ठंडा दिन में घूमने का चीज़ है। अगर यहाँ घूम सकते हैं तो शाम को मज़ा आएगा, इतना टाइम तो मज़ा नहीं आएगा, क्या है धूप भारी है। लेकिन इधर एकदम नज़ारा सुंदर है, बहुत सुंदर, एकदम मज़ा आ रहा है ना श्रद्धा? हाँ। देखो इतना सुंदर सजावट है यहाँ, पूछिए मत दोस्तों। और हम लोग के भी ठीक लग रहा है, धूप का पता नहीं चल रहा है, थोड़ा आगे आगे निकल के आए तो अभी मज़ा आ रहा है। उधर क्या है, गाड़ी से उतरे तो टोटल धूप में उतर पड़े थे, तो ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। लेकिन अभी जो देखे यहाँ का सीनरी और हरा भरा जो किए हैं यहाँ सजावट, एकदम मस्त है। चलो यहाँ से देखो क्या नज़ारा है, कहाँ किधर जाएंगे और ऐसे इसमें पानी रहता है, इसमें पानी रहता होगा, अभी सूख गया है शायद। हाँ ये स्विमिंग पूल जैसा दिख रहा है और इसी में नहाते होंगे कोई, हमको तो इतना पता नहीं, हम लोग भी कभी आए नहीं हुए। एक बार आए थे तो हम
मतलब अंदर घुसे नहीं थे, मंदिर दर्शन करते हुए निकल गए थे। हाँ मजेदार है, मजेदार है, एकदम बढ़िया 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 है, सुंदर है। उधर पहाड़ है, उधर पहाड़ है, पूछिए मत, नजारा तो एक से एक है। देखिए चारों तरफ पहाड़ घेरा हुआ है, बीच में पार्क है। दोस्तों उन लोगों को मेरे भारती और मेरे भाभी माँ बाबूजी को वहाँ पेड़ के नीचे बैठा दिए हैं, क्या धूप हो रहा था और ये लड़की मानी नहीं तो इधर आ गए हैं अभी। तो बच्चे के लिए ही है, बना है, एकदम मस्त बना है। लेकिन तो दोस्तों क्या करें, थोड़ा घुमा देते हैं, पार्क अच्छा बना है दोस्तों। चलो अब लड़की थोड़ा घूमने दो, श्रद्धा चढ़ रही है ऊपर और ये तो गर्म हो गया है अभी, जल्दी जल्दी चढ़ो, ये तो गर्म हो गया है। उधर झूला में चलते चलो, नहीं तो फटाफट और निकलते हैं। एकदम चारों साइड देखो, रास्ता साइड भी बहुत सुंदर सजाए हुए हैं, एकदम मस्त लगता है यहाँ। क्या बात है दोस्तों, पानी वानी का फुल फैसिलिटी है, उधर झूला उला है, उधर पहाड़ लगा है। और अभी हम लोग 5 मिनट रुकेंगे यहाँ, उसके बाद वहाँ निकलेंगे, गन्ना जूस वूस पियेंगे और निकलेंगे। कहाँ कहाँ घुस के आ रही है, मैं गिर जाऊंगा लास्ट में। निकलो निकलो निकलो, इधर आ जाओ नीचे। हाँ 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 हाँ, आ जाओ इधर इधर आने। हाँ उधर जा रहे हो क्या, चलो। हाँ इधर से नीचे आ जाओ, उधर जा रहे हो क्या, वो तो गर्म होगा अभी। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। वाह 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 वाह, बच्चे लोगों का तो मजा लगता है, चाहे गर्म रहे चाहे ठंडा रहे, कोई मतलब नहीं उनको। हम लोग अभी लौट रहे हैं, धूप भी बहुत है दोस्तों, मजा में सजा निकल जाएगा। और मजा तो लग रहा है लेकिन धूप बहुत बढ़ गया है, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। उधर बाबूजी माँ भारती सबको छोड़ दिए हैं, उधर थोड़ा कुछ ठंडा उंडा हो जाए उसके बाद निकलेंगे। तो दोस्तों थक गए हम, एक्चुअली में थक गए हैं, मजबूरी है, जो घुमा रहे थे उसको वो थकी नहीं है। और अभी थोड़ा बैठ जाएंगे पेड़ के नीचे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे दोस्तों। नीचे शूटिंग करवा रहे हैं, मस्त। वाह बाबूजी ढलन गए हैं, और इधर बहुत बड़ा पेड़ है, बरगद का पेड़, इधर छाया ही छाया है दोस्तों। मज़ा तो है, बहुत सुंदर, खूब सुंदर नज़ारा। वाह चारों तरफ देखिए। भारती मेरे को पूछ रही आइसक्रीम खाओगे क्या करके, वो लोग बैठे बैठे दो दो ठो आइसक्रीम खा लिए हैं, भाभी और भारती करके। हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों, हम लोग निकल रहे थे और रास्ते में बताया था यहाँ एक जड़ेश्वर मंदिर है, वहाँ सब लोग दर्शन करेंगे बोले। तो इधर रिपेयर भी चल रहा है, गेट का मरम्मत, और उधर थोड़ा घुस जाएंगे, दर्शन वर्शन करेंगे और निकलेंगे यहाँ से, लास्ट रखेंगे उसके बाद निकलेंगे। क्या है, धूप बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों धूप बढ़ने से भी अभी ये लोग दर्शन करेंगे, भक्त हैं मेरी मंजली भाभी और भारती। बहुत सुंदर है भारती, बहुत खुश है, और मंजली भाभी भी दोनों ही भक्त हैं तो बहुत खुश है, शिव जी का दर्शन भी हो जाएगा जाते जाते, और शाम तक हम लोग पहुँच जाएंगे घर दोस्तों। यहाँ जल्दी जल्दी शूटिंग करेंगे और निकलेंगे दोस्तों, भोले बाबा का दर्शन करके निकलेंगे हम लोग। तो हम लोग पूजा करेंगे करके पहले से सोच लिए थे, तो रास्ते में फूल था टुड़वा लिए हैं, और ये फेवरेट फूल है शिव जी का, और रास्ते में रुके थे और रख लेते हैं करके टुल लिए हैं। तिखाली डैम में जो है शिव मंदिर, जो जलेश्वर मंदिर है और पार्क, इसीलिए अच्छा लगता है, पूजा भी हो जाता है, पार्क घूमने को भी हो जाता है, और उधर तिखाली डैम में भी घूमने वाले घूमते हैं और मज़ा आ जाता है। यहाँ ये मंदिर पार्क तिखाली डैम तीन तो चीज़ देख सकते हैं, पाएंगे तो अच्छा लगता है यहाँ। मेरी बेटी श्रद्धा नंदी बाबा के कान में कुछ कह रही है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम लोग पूजा पाठ कर लिए और पूरा नॉनस्टॉप निकलेंगे। अभी हम लोग जाएंगे मेरी मंजली भाभी का जो मायके है, मायके बोल सकते हो, गोला मुंडा, वहाँ रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे। तब तक के लिए अभी हम लोग वीडियो रखते हैं दोस्तों, हो गया अपना, ठीक है। अपना वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। बाय, सब लोग बाय कर दो, कल मिलेंगे दोस्तों।